नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। एक नए शोध के अनुसार अशिक्षा और गरीबी की वजह से माताओं और बच्चों के भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण दुनिया भर में करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकंजे में हैं। कुपोषण की वजह से बच्चे कई प्रकार के रोग जैसे एनीमिया, घेंघा और हड्डियां कमजोर होने का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा पारिवारिक खाद्य असुरक्षा, स्वच्छता में कमी, जागरूकता के अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण यह समस्या और गहराती जा रही है। ग्लोबल साउथ के एक अध्ययन में बताया गया है कि कुपोषण बच्चों के जन्म के बाद 2 वर्षों में शरीर के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। एशिया कप 2023 खत्म हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को फाइनल में मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हरा खिताब अपने नाम किया। एशिया कप शुरू से ही परेशानियों और विवादों से घिरा रहा। पहले मेजबानी को लेकर विवाद काफी लंबा चला और फिर श्रीलंका में हो रही बारिश के कारण परेशानियां कम नहीं रही, लेकिन श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ ने परेशानियों से जूझते हुए बारिश की समस्या से निपटते हुए मैदान तैयार किए। इसका इनाम भी उन्हें मिला है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और बीसीसीआई के सचिव जयसाह ने श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को 50,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि कानूनी पेशे का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे जुड़े लोग अपनी सत्यनिष्ठा बरकरार रखते हैं या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कानूनी पेशे का मूल और इसका फलना फूलना अथवा नष्ट हो जाना इससे जुड़े लोगों के व्यवहार पर निर्भर करता है। सीजेआई ने अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच सहयोग बढ़ाना, कानूनी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में नामक विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। एक्टर आर माधवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक्टर बेंगलुरु एयरपोर्ट के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में माधवन बता रहे हैं कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। खास बात यह है कि एक्टर का ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचा, जिसके बाद उनका रिएक्शन भी सामने आया। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर एक्टर के वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, भारत के विकास के लिए अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने इससे पहले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना देश के कारीगरों को समर्पित है। एशिया कप 2023 में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारत की इस जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, एशिया कप जीतने पर बधाई, हमारे खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त स्किल दिखाया। भारत की इस जीत पर कई नेताओं ने टीम को बधाई दी है। बीजेपी ने एक्स पर नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ G20 का जिक्र कर टीम इंडिया को बधाई दी। इन दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई संदेश भेजा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सोमवार को बताया कि राज्य में फिलहाल निपाह वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इलाजरत 9 साल का बच्चा वेंटिलेटर से बाहर है, फिलहाल वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, बच्चे की सेहत में सुधार हो रहा है। वीना जॉर्ज का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जोखिम वाली संपर्क सूची में 352 लोग हैं। जिन स्थानों पर निपाह वायरस की पुष्टि हुई है वहां स्वास्थ्य कर्मियों ने रोकथाम गतिविधियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8% तक की सब्सिडी देगी। वित्त मंत्री ने योजना के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार 2023-24 के बजट में पहले से ही 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुकी है। विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कारीगरों को 5% की बेहद सस्ती ब्याज दर पर कोलेट्रल फ्री लोन प्रदान किया जाएगा। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें कोई मजेदार वाक्य न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रविवार को जब टीम इंडिया एशिया कप जीतकर लौटी तो कप्तान रोहित शर्मा से लबरेज नजर आए। वो अचानक बोल उठे, अरे वर्ल्ड कप जीतने के बाद फोड़ो यार। रोहित के ऐसा कहते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठहाकों की आवाज गूंज उठी। कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन पर बात की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की ओर से आज शुरू की गई विश्वकर्मा योजना पर को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को विश्वकर्मा जयंती पर केंद्र सरकार की ओर से शुरू की इस योजना को चुनावी जमूला बताते हुए कहा कि अब जनता दोबारा मूर्ख नहीं बनने वाली है। यह प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का समय है। देश में नोटबंदी, गलत GST और फिर कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया लॉकडाउन भारत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा है। इनमें कई व्यवसाय उनकी ओर से संचालित किए जा रहे थे जो खुद अपने हाथों से काम करते थे, लेकिन सरकार ने उनकी आजीविका को तहस नहस कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कोटा सीमा बढ़ाने के पार्टी सांसद राहुल गांधी के सुझाव को समर्थन किया है। CWC ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा आयोजित जाति आधारित जनगणना पर डेटा जारी करने के लिए कहा और नए सिरे से जनगणना की मांग की है।
वर्ल्ड कप का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में किया जाना है। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा लेने वाली है। इन टीमों में से 7 ने अपने विश्व कप टीम की घोषणा कर दी है, लेकिन 3 के खिलाड़ियों के नाम का आना बाकी है। भारत ने अपने वर्ल्ड कप की टीम घोषित कर दी है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम का आना बाकी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से बुलाए गए स्पेशल सेशन को लेकर देवेगौड़ा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं संसद में भाग लेने आया हूं, बस इंतजार करें और संसद में चर्चा का नतीजा देखें। मैं अब क्यों खुलासा करूं मैं संसद में क्या कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह पता लगाने की शैक्षणिक कवायद को वामपंथी परिवेश का हमला करार दिया कि क्या केजी के छात्र अपने निजी अंगों के बारे में जानते हैं। मोहन भागवत ने कहा, मैं गुजरात में एक स्कूल में गया था जहां एक विद्वान ने मुझे एक किंडरगार्टन स्कूल का निर्देश दिखाया। इसमें कहा गया था कि टीचर्स को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि क्या केजी 2 के बच्चे अपने निजी अंगों के नाम जानते हैं। वामपंथी परिवेश का हमला यहां तक पहुंच गया है और यह लोगों की मदद के बिना संभव नहीं है। हमारी संस्कृति की सभी पवित्र चीजों पर ऐसे हमले किए जा रहे हैं। भारत में चीतों को फिर से बसाने की योजना सफल होती दिख रही है। सरकार की एक रिपोर्ट में से यह दावा किया गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि चीता प्रोजेक्ट सफल होने की राह पर है और कम अवधि की सफलता के लिए तय किए गए 6 मानदंडों में से 4 पूरे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट की प्रारंभिक प्रगति उम्मीद 2 के अनुरूप है। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मानदंडों में से 4 पूरे हुए हैं, जिनमें 50% चीतों का जीवित रहना, कूनों में होम रेंज की स्थापना, कूनों नेशनल पार्क में चीतों का प्रजनन और स्थानीय समुदाय की आय में बढ़ोतरी और आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें बढ़ने जैसे लक्ष्य हासिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि जदयू नेता को विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया के संयोजक के रूप में नामित नहीं किया जा रहा। गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर जातीय आधार पर लोगों को विभाजित कर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की भी निंदा की। हिंद महासागर में अपने विशाल भू रणनीतिक हितों की रक्षा के साथ साथ चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत ब्लू वाटर नेवी फोर्स बनाने के लिए भारतीय नौसेना ने अभी 68 नए युद्धपोतों और जहाजों के लिए ऑर्डर दिया है। उनकी कुल कीमत लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए है। 143 विमानों और 130 हेलीकॉप्टरों के साथ 132 युद्धपोतों वाली नौसेना के पास अगली पीढ़ी के 8 कार्बेट, 9 पनडुब्बियों, 5 सर्वेक्षण जहाजों और 2 बहुउद्देशीय जहाजों के निर्माण के लिए प्रारंभिक मंजूरी या जरूरत की मंजूरी भी है। राम मंदिर के भव्य व दिव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 15 से 24 जनवरी के मध्य में निर्धारित तिथि पर होगी। इसी कड़ी में देश में संतों की यात्राएं निकाली जाएंगी। टोलियों में संत गांव-गांव में जाएंगे। यात्रा का संयोजन बजरंग दल ने किया है। विस्तृत रूपरेखा के बाद यात्रा का कार्यक्रम सार्वजनिक होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने बताया कि संतों की ये यात्राएं विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा के अलावा होगी। संतों की यात्रा को उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का अहम हिस्सा बताया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तिथि के लिए पीएम के 2 बार पत्र भेजा गया है। गुजरात विधानसभा में पटल पर रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात वन विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों का संज्ञान नहीं लिया, जिनमें राज्य के संभावित वन्यजीव गलियारों में आवास सुधार की सिफारिश की गई थी। कैग के गुजरात में वन्यजीव अभयारण्यों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के परफॉर्मेंस ऑडिट में कहा गया है कि इसरो ने 2014 और 2017 में अपने अध्ययन में 12 वन्यजीव गलियारों की पहचान की थी और संभावित गलियारों में आवास सुधार की सिफारिश के साथ इसे वन विभाग के साथ साझा किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में मांगी गई कुछ जानकारी से संबंधित एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट आरटीआई कार्यकर्ता सौरभ दास की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के नवंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने कहा था कि ऐप के संबंध में पर्याप्त जानकारी पहले से ही सार्वजनिक तौर पर मौजूद है। मोदी सरकार ने रविवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पर उचित निर्णय सही समय पर लिया जाएगा। संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि सभी विपक्षी दलों ने विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी हैदराबाद के एकीकरण में भूमिका अनुकरणीय थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आज हम गर्व से एकता की भावना और देश की एकता के लिए किए गए बलिदान को याद कर रहे हैं। आइए हम सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने हैदराबाद के विलय में अनुकरणीय भूमिका निभाई। मुझे खुशी है कि सरकार हैदराबाद में इस दिन का आयोजन कर रही है।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग मुठभेड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सुरक्षा बलों को आतंकियों की एक गुफा के पास से एक जला हुआ शव बरामद हुआ है। यह शव किसका है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त की जा रही है। गौरतलब है कि कोकरनाग इलाके के गोडोल गांव में चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना की गोलाबारी से आतंकियों की गुफा में रविवार को आग लग गई थी। यही से यह शव बरामद किया गया है। शव की शिनाख्त की जा रही है। अनंतनाग की यह मुठभेड़ करीब 120 घंटे से चल रही है। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नए संसद भवन में जाने से पहले देश के संसद की 75 साल की यात्रा का स्मरण कर लेते हैं। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं, इसमें देशवासियों का पसीना लगा है। आजादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन की पहचान मिली। संसद का पुराना भवन आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा। डॉलर के मुकाबले रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। रुपए के सीमित दायरे में कारोबार करने की वजह कच्चे तेल की कीमत में तेजी और अमेरिकी मुद्रा को मजबूत होना है। इसका सीधा असर रुपए के भाव पर देखा जा रहा है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 83.09 के स्तर पर खुला। पिछले सत्र के मुकाबले इसमें 7 पैसे की बढ़त देखी गई थी। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 83.13 का स्तर हुआ। शुक्रवार के सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर 83.16 पर बंद हुआ। श्रीलंका पर शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के होटल लौटते ही क्रिकेट प्रशंसक खुशी से झूम उठे। बता दें कि एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका पर 10 विकेट से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया है। भारत ने अब तक एशिया कप के फाइनल में 6 बार श्रीलंका को हराया। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर फैंस के साथ साथ बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की, जिसमें सभी ने मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा गया है। बता दें कि आमिर सुबहानी को कुछ दिनों पहले ही पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद एडमिट करवाया गया था। दरअसल पिछले दिनों आमिर सुबहानी के सिर में चोट लगी थी और माइनर इंजरी की बात कही गई थी, जिसके बाद उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। वहीं अब इन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली भेजा गया है, जहां उनका जल्द ही बेहतर इलाज करके वापस पटना भेज दिया जाएगा। रूस की तरफ से लगातार की जा रही बमबारी के कारण यूक्रेन के लोग जानमाल के नुकसान के साथ साथ भारी मानसिक तनाव का भी सामना कर रहे हैं। युद्ध से पैदा हुए इस तनाव को दूर करने के लिए यूक्रेन के अग्रिम शहरों में रह रहे लोग भारतीय योग पद्धति का सहारा लेने लगे हैं। डोनेस्क क्षेत्र के क्रामोट्रोस्क शहर में लोग हफ्ते में 3 दिन सुबह सुबह योगाभ्यास के लिए इकट्ठा होते हैं। आर्द्र हवा व मधुर संगीत के बीच तहखाने में होने वाला योगाभ्यास तनाव दूर करने में मददगार साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। सरहद फाउंडेशन पुणे की पहल हम सब एक हैं के शुभारंभ पर बोलते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि हमें अपनी सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बहादुरी और साहस का पूरा भरोसा है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में नेताओं के द्वारा जारी है, जहां 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे। वहीं उनके दौरे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजधानी जयपुर जा रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से कांग्रेस प्रदेश के 13 जिलों में अपनी यात्रा निकालेगी। वे राजधानी के मानसरोवर में कांग्रेस के नए भवन के भूमि पूजन में शामिल होंगे। यहां राहुल गांधी एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, लक्ष्मण, धर्म कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, धनंजय कुमार, स्मिता राज, अनुपमा कुमारी, रागनी कुमारी, नौशद अंसार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एशिया कप 2023 फाइनल में भारत की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।